अभी जो मेरा कॉम्पिटिटर है ना वो अभी भी मैदान में बहुत देर से टिका हुआ है, ये प्लेट पूरी इसी ने खाली करी है। कान से नाक से हर जगह से धुआं निकालने का बंदोबस्त कर रही हूँ। ये क्या कर रही हो? ये आज मैं करने जा रही हूँ, अपने आप को देने जा रही हूँ फुल्की चैलेंज। और ये देख रहे हैं आप, मिर्ची क्यों काट रहे हो इसमें? यार ऐसे नॉर्मल फुल्की खाने में मजा नहीं आता, वो तो सबको ही खा लेता है। तो ये सारे मिर्च काटने वाली हो? आप क्या चाहते हो, गाड़ी भी हमारी है नहीं, जब धुआं भी निकले थोड़ा, गाड़ी भी हमारी है नहीं, फिर ओला करके मुझे अस्पताल लेके जाओगे? अच्छा ना, हरी मिर्च खिला के अस्पताल जाएंगे, थोड़ी देर चिल्लाओगे कमरे में तो बंद कर देंगे, थोड़ी देर बाद फिर साफ देंगे अपने साथ। इसमें मैंने कम से कम डाल दी है 6-7 काट के अच्छे से हरी मिर्च, और हम निकालते हैं ये। और आज मैं करने जा रही हूँ गोलगप्पा चैलेंज, और ये जो मेरा चैलेंज है ये इंस्पायर्ड है किससे है मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। और उनसे इंस्पायर इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी थोड़े दिन पहले एक चैलेंज किया था, उन्होंने आईफोन दिया था सबको, तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मैं कितना खा सकती हूँ, और ये तब तक चलेगा जब तक कि जितने उनके विनर ने खाया है ना मैं उतने खा नहीं लेती, तब तक ये हमारा चलता रहेगा। और इसमें हम निकालने जा रहे हैं पानीपुरी, और आपको पता है इत्तेफाक आज ऐसा था दुकान पानीपुरी की नहीं लगी, मतलब बेचारा भाई मेरा इतना घूमा है इतना घूमा है तब जाके उसे ये चंद पानीपुरियां मिली हैं। ये इसमें से दो तो इसने फोड़ दी, ठीक है। और देखो यार ऐसे तो मत किया करें, एक्स्ट्रा में डाला होगा पापड़ी, एक्स्ट्रा में तो नहीं डाला होगा यार, इतना तो नहीं कोई है हमारा करता है कि एक्स्ट्रा में डालेगा। तो चलिए हम लगाते हैं इसको, और आज पानीपुरी हम अंदर नहीं बैठ के खाएंगे, हम खाएंगे बाहर बैठ के, क्योंकि जब तीखा लगेगा। वैसे यार मुझे लग रहा है कि हमें एसी में खानी चाहिए। मैं भी कहने वाला था एसी ऑन करके वहां बैठा, क्योंकि अगर मैंने बाहर पानीपुरी खाई और जब शीशी तीखा लगेगा ना, बाहर लाइट भी कम हो गई है। बाहर लाइट कम हो गई है? नहीं बाहर लाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी अभी हम डिसाइड करते हैं कहाँ खाते हैं, तब तक मैं अपना लगा लेती हूँ और जल्दी आते हैं। हो रही है बहुत ज्यादा देर क्योंकि मैंने 20 दिन से पानीपुरी नहीं खाई, मुझे पता है, लेकिन आज अगर मैंने ये पानीपुरी खाई अगले 20 दिन तक शायद मेरा मन नहीं करेगा। लेकिन ये चैलेंज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं। और इन भैया ने भी थोड़ा सा हमारे में मिर्चा प्याज इसमें डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम, वैसे तो मेरा बहुत मन था कि हम जाके कहीं अच्छे से ठेले पे खड़े होकर ये वाला करे जैसे कि उन्होंने किया था, बट ठेले पे खड़े होके ऐसे करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए हमने कहा नहीं हम घर में ही करते हैं। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं, देखो गिनेगा कौन ये? ये 50 ही है। अरे यार 50 नहीं है मतलब गिनेगा, फिर एक दो टूटे भी तो है ना, हम ही गिन लेंगे। गिन लोगे? हाँ अमित को बैठा दे, वो काउंट करने में बहुत मास्टर आदमी है, क्योंकि मास्टर है। एक मिनट में पानी पहले पी के देखती हूँ। जहर अंकल के बता से ही है, टकलू अंकल का कतई जहर पानी है, पहले से जहर है, वो मिर्चा और डाल दिए हैं, ये बहुत ज्यादा तीखा पानी है, मुझे नहीं पता था। शुरुआत करते हैं, और अगर मैं इतने सारे बताशे खाऊंगी तो हो सकता है मैं एटिकेट भूल जाऊं, तभी आपके सामने मैं खोखो भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये डाला प्याज और ये डाला इसमें एक ठो मिर्चा, क्योंकि जितने मिर्चे इस पानी में है ना, वैसे भी आज का हमारा जो डिनर है मैंने मना कर दिया है कि अब हम डिनर विनर कुछ नहीं करेंगे, और अभी जितना हम प्यार से खा रहे हैं ना, तीसरा है इसमें 5-6 मिर्चें हैं, आप देख लो। तीसरा था या चौथा? तीसरा, अब चौथा है यार।
और यहाँ टाइम का कोई फाउंडेशन नहीं है। पांच हाँ देखो कट नहीं करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। छह आईफोन मिला था उसको, बताया किसने खाए थे मालूम है आपने? चौवन 64 गन्नो 6 बैठो बैठो खाओगे 7 मेरे को डालना आईफोन का एप्पल थी आठ बस वीडियो में काउंट कर लेंगे, एक दो छूट जाएगा तो वापस लाओ। नौ दस उसमें नहीं वो बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। यार बड़ा मुश्किल है। 12 मेरे प्लेट मेरे सामने आई थी, मुझे लगा था 13 हाँ बेटा चौदह पंद्रह पे बंद हो गया था। सोलह मिर्ची वाले पकौड़े खा के गर्मी लगती ना मम्मा को। सत्रह खाने तो दो बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ
उसने इतने बताशे खाए हैं, मैं पता है उसने कुट किया था, उसने पता है कितने खाए हैं, 30 खाए हैं। हम सोचा कम से कम उसको माफ तो दे ही दें। 18 यार ये 50 नहीं दिए, कम दिए हैं। और हिम्मत है इक्कीस जिंदगी में कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक्स बोलो और हर एक इंसान की इज्जत करो जो आपसे ऊपर ही आपका कॉम्पिटिटर है वो, क्योंकि मेरा कोई है कॉम्पिटिटर नहीं है तो शायद मैं अभी भी कुछ करता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहां मेरा कोई कॉम्पिटिटर होता तो शायद मैं बहुत आगे जाती, इसीलिए कॉम्पिटिटर से जलो मत, हमेशा अप्रिशिएट करो कि वही आपको आगे ले जाएगा या जहां पे आपको उसने ही पहुंचाया है। 21 छोटे से बच्चे ने मुझे कंपटीशन दी और मैं 22 पे क्विट करने जा रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। आगे मैं शायद इससे ज्यादा खाने की कोशिश करूंगी बट ये गन्नू वाले जोड़ दो तुम्हारे में उसका जोड़ भी दोगे तब भी मैं तुम्हें आसपास नहीं हूँ। नहीं बस करो ज्यादा खराब नहीं इसको और खा लेती हूँ अभी मेरे में है, मैं 10 और खा सकती हूँ। बाईस पहले हो चुका था, कोई चीटिंग नहीं। पानी सच में बहुत तीखा था पर मैं बहुत तीखा खाती हूँ। 4-5 तो गन्नू के भी हो गए। बस करो बस और बस करो यार, छोटा सा बच्चा 8 है अच्छा ठीक है। तो ये था मेरा आज का पानी पूरी चैलेंज जिसमें मेरा साथ दिया है गन्नू ने। अभी खा रहा है वो अभी भी खा रहा है। खा रहे हो गन्नू? थैंक यू मम्मा को। सॉरी एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मिलते हैं किसी नए चैलेंज के साथ में नेक्स्ट टाइम। ज्यादा खाने वाला चैलेंज बहुत मुश्किल है मेरे लिए करना। मम्मा बेटा खा चुकी है बस। हाँ अगली बार 100 बताशे मंगाएंगे, 2 लोगों को बैठाएंगे। हाँ अगली बार चैलेंज हम तगड़ा करेंगे। सामने जो बैठाएंगे वो तगड़ा खाने वाला होना चाहिए। ये था मेरा आज का चैलेंज वीडियो जिसमें मैं हो गई हूँ पस्त और थक गई हूँ। हाँ
सुनते नहीं इस वीडियो में तब तक ले बाय, टेक केयर। और गन्नू ने खाना अभी भी नहीं छोड़ा है, वो अभी भी खा रहा है, अभी मस्त है। लेकिन एक बात बताऊं, 15 दिन बाद बताशे खा के बहुत मजा आया। कौन था मित्र? 15 दिन बाद बताशे खा के बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी मैंने बताया मैं खा सकती हूँ, लेकिन हाँ अभी भी देखो लालच है, उसे कहते हैं लालच। क्या कहते हैं? 24। अगर मुझे भी कोई कुछ दे तो मैं सारे खा सकती हूँ। कोई कुछ दे रहा है? नहीं रहने दो, रख दो, चलो। क्या गोल राउंड? क्या राउंड है बता से। ओके बाय, टेक केयर।